प्रियंका के ट्वीट के बाद अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा यूपी शिक्षा मित्र बीपीएच यूपीटीटी आशा बहु कार्यरत अनुदेशक समेत कुल 10 संगठनों को गिनाते हुए कहा खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे संग। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा योगी सरकार पर, इन लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए ना कि चौकीदार। चौकीदार का जो कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया उस पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने, कहा कि इन लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए ना कि चौकीदार। और कल आपने देखा था प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अमीरों के होते हैं, गरीबों के लिए कोई चौकीदार नहीं होता। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार के मुद्दे को उठाया। इन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार चाहिए, चौकीदार नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके निशाना साधा, पूरी लिस्ट बकायदा उन्होंने ट्वीट की है, लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए इस मुद्दे को उठाया और ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा। इसी पर विरोची वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वीरेंद्र जी देखिए, लगातार पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, अब अखिलेश यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया और चौकीदार कैंपेन जो बीजेपी ने चलाया उस पर भी निशाना साधा। बिल्कुल देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी शिक्षा मित्रों को उसने समायोजित किया था, करीब 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को, तो उनकी वेतन करीब 34,000 के लगभग किया था, उसका अपर हैंड है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई तो उनकी नियुक्तियां रद्द हो गई और वो लोग वापस हैंड टू माउथ हो गए, तो सरकार इसको समायोजित नहीं कर पाई। इसका फायदा समाजवादी पार्टी लगातार उठाना चाहेगी क्योंकि उसने पहले इनको रोजगार दिया था, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा मित्र है, आशा बहु है और तमाम सारे संगठन हैं जिनको पर्याप्त रूप से पैसा नहीं मिल रहा है और जो नौकरी के लिए आए दिन आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने पहले उनकी आवाज सुनी थी। इसलिए अखिलेश यादव का ये ट्वीट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जब उनकी सरकार आएगी या उनको मौका मिलेगा तो वो फिर से एक बार ठीक है। वीरेंद्र जी, एक तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है ट्वीट के जरिए, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर हैं सरकार पर।